पांच पांच बार सत्ता के लिए पाला बदलने वाले लोग बिहार के मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं, जो जेपी का नाम लेकर जेपी आंदोलन से उपजे नेता आज कांग्रेस के गोदी में बैठे हैं केवल और केवल सत्ता के लिए। उसके साथ आप सहमत है क्या? 74 में जब जयप्रकाश जी ने बिहार में आंदोलन किया, अराजनीतिक आंदोलन, सारी विचारधारा के छात्र जेपी की अगुवाई में इकट्ठा हुए थे। सुशील जी यहां बैठे हैं, सुशील जी भी उसी आंदोलन की प्रोडक्ट हैं, मगर उस आंदोलन की और कई लोग हैं जो पूरा जीवन जेपी का और लोहिया जी का नाम दिए। मित्रों, आज मैं बिहार की जनता को पूछने चाहता हूं, जो जेपी का नाम लेकर जेपी आंदोलन से उपजे नेता आज कांग्रेस के गोदी में बैठे हैं केवल और केवल सत्ता के लिए, उसके साथ आप सहमत है क्या? जरा जोर से बोलिए, सहमत है क्या? ये जयप्रकाश के सिद्धांतों की राजनीति है, ये जयप्रकाश का बताया हुआ मार्ग नहीं। जयप्रकाश जी ने जीवन भर सत्ता के लिए कुछ नहीं किया, पूरा जीवन सिद्धांत के लिए। और आज पांच पांच बार सत्ता के लिए पाला बदलने वाले लोग बिहार के मुख्यमंत्री बनकर बैठे हैं। बिहार की जनता को तय करना है कि जयप्रकाश के दिखाए हुए रास्ते पर चलने वाली, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए या जयप्रकाश के रास्ते से भटककर सत्ता के लिए समाधान करने वाली ये गठजोड़ की सरकार चाहिए। मित्रों, आने वाले दिनों में जेपी के सिद्धांतों के कई लोग, अनुयायी, युवा पैदा हो, इसके लिए स्मारक बनाने का विचार नरेंद्र मोदी जी ने दिया था। मैं बधाई देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं भाई वीरेंद्र मस्त जी को, जिन्होंने ट्रस्ट के अध्यक्ष के नाते इसके पीछे पड़कर इसको पूरा करने का काम किया है। और आज जेपी के सिद्धांतों के लिए उन्हीं के जन्म के गांव के अंदर एक बहुत बड़ा स्थानक बना है। यहां पर रिसर्च सेंटर भी बनने वाला है, यहां पर फैकल्टी की रहने की सुविधाएं भी बनने वाली है, यहां पर विद्यार्थियों की रिसर्च की सुविधा भी रहने की बनने वाली है। और जेपी का सिद्धांत, ग्रामीण विकास का सिद्धांत, ये सिद्धांत को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसका हमेशा के लिए ये बहुत बड़ा स्थान बनने वाला है। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।